मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिखा शर्मा, असिस्टेंट टीचर ऑफ आरबीएल पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड फोर्थ, चैप्टर नंबर 6, सब्जेक्ट साइंस. चैप्टर नेम इज पर्सनल हाइजीन, शारीरिक स्वच्छता. फूड इज एसेंशियल फॉर द बॉडी टू वर्क एंड प्ले. फूड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जिससे हम खेल सकते हैं और काम कर सकते हैं. बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रांग. लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग रखने के लिए सही प्रकार का भोजन करें. राइट काइंड ऑफ फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. जो सही प्रकार का भोजन है वो हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड पर्सनल हाइजीन टू स्टे हेल्दी. हमें खुद को हेल्दी रखने के लिए शारीरिक स्वच्छता बनाए रखनी होती है. हाइजीन, स्वच्छता. हाइजीन रिफर्स टू द केयर वन मस्ट टेक टू कीप वन सेल्फ क्लीन एंड हेल्दी. स्वच्छता का तात्पर्य उस देखभाल से है जो स्वयं को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए लेनी चाहिए. पर्सनल हाइजीन इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ओन सेल्फ फ्रॉम डिसीजेज. पर्सनल हाइजीन इज एसेंशियल टू, जो पर्सनल हाइजीन होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है टू प्रोटेक्ट ओन सेल्फ फ्रॉम डिसीज. खुद को बीमारियों से बचाने के लिए पर्सनल हाइजीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. शारीरिक स्वच्छता बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. हियर आर सम वेज दैट यू मस्ट फॉलो टू स्टे स्ट्रांग एंड हेल्दी. यहाँ पर कुछ तरीके दिए हुए हैं जिन्हें तुम फॉलो करो करते हो टू स्टे स्ट्रांग एंड हेल्दी, जिससे आप हेल्दी और स्ट्रांग रहें. फर्स्ट, टेक बाथ एवरी डे. वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील. कीप योर नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन. ड्रिंक क्लीन वाटर. कीप योर हाउस एंड इट्स सराउंडिंग क्लीन. डेली नहाना चाहिए. वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स. साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील. खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए. कीप योर नेल्स ट्रिम एंड क्लीन. अपने जो नेल्स हैं, नाखून हैं, उनको काटना चाहिए और उन्हें साफ रखना चाहिए. ड्रिंक क्लीन वाटर. साफ पानी पीना चाहिए. कीप योर हाउस एंड इट्स सराउंडिंग क्लीन. अपने घर को और अपने घर के चारों ओर की चीजों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए. केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट. अपने हाथों और पैरों की सफाई. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. हमें हमेशा खाना खाने से पहले और बाद में और टॉयलेट जाने के बाद में अपने हाथों और पैरों को अच्छे से धोना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली टू प्रिवेंट डर्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इन दैम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है टू ट्रिम आवर नेल्स. अपने नाखूनों को काटना, हमें अपने नाखूनों को प्रतिदिन काटना बहुत आवश्यक है क्योंकि टू प्रिवेंट डर्ट फ्रॉम क्योंकि उन नाखूनों में हमें गंदगी जाने से रोकना चाहिए. वी शुड वॉश आवर फीट आफ्टर रिमूविंग शूज एंड सॉक्स. वी शुड वॉश आवर फीट. हमें अपने पैरों को धोना चाहिए आफ्टर रिमूविंग शूज एंड सॉक्स. हमें हमेशा शूज और सॉक्स को निकालने के बाद अपने पैरों को अच्छे से धोना चाहिए. एंड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम प्लेग्राउंड. और खेल के मैदान से वापस आने पर हमें अपने पैरों को अच्छे से धोना चाहिए. केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स की केयर कैसे उसे कैसे स्वच्छ रखते हैं. सेंस ऑर्गन्स आर वेरी डेलिकेट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, हिस्सा होते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक स्पेशल केयर ऑफ द. हमें उनकी स्पेशल केयर करनी चाहिए, उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. आइस, फर्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन क्या है. आइस शुड बी वॉश्ड विद कोल्ड वाटर. हमें जो आइस होती है वो हमें कोल्ड वाटर से वॉश करनी चाहिए. हमें ठंडे पानी से धुलनी चाहिए. एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम दिन में दो बार. वी शुड नॉट स्टडी इन डिम लाइट. हमें हल्की लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए एज इट इज नॉट गुड फॉर आवर आइज, क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है. द फूड रिच इन विटामिन ए इज गुड फॉर आइज. वह खाना जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है वो हमारे आइज के लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है. देयर फॉर वी शुड ईट फूड रिच इन विटामिन ए. इसलिए हमें वो खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए होता है, जैसे कैरेट हो गया, ग्रीन लीफी हो गया, गाजर, ग्रीन लीफी हरी सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स, etc.
ईयर्स कान को कैसे हम स्वच्छ रखते हैं, वी शुड क्लीन अवर ईयर्स विद ए सॉफ्ट टॉवल, हमें अपने कानों को एक सॉफ्ट टॉवल से क्लीन करना चाहिए। नेवर क्लीन ईयर्स विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, हमें कभी भी कानों को शार्प नुकीली चीजों से साफ नहीं करना चाहिए, जैसे मैच स्टिक, माचिस की तीली एंड पेन से, एज इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम एंड लीड टू डीफनेस। इससे क्या, अगर हम अपने कान को पेन या मैच स्टिक से साफ करेंगे तो इससे हमारे कान का जो पर्दा होता है वो डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है और हम डीफ हो सकते हैं। वी शुड अवॉइड लिसनिंग टू वेरी लाउड म्यूजिक, हमें बहुत ज़्यादा तेज वॉल्यूम का म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। नोज, वी मस्ट क्लीन द नोज विद अ सॉफ्ट टॉवल और ब्लो आउट इट जेंटली, हमें अपनी नोज को एक सॉफ्ट टॉवल से साफ करना चाहिए। डू नॉट इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ पेन और अ पेंसिल इन द नोज, हमें कोई भी जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, इस तरह के चीजें अपने नाक में नहीं डालनी चाहिए। टंग, जीभ, वी मस्ट क्लीन द टंग विद अ टंग क्लीनर एवरी डे, हमें प्रत्येक दिन अपनी टंग को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। द टंग क्लीनर रिमूव्स द बैक्टीरिया विच ग्रो इन द माउथ, जो टंग क्लीनर होता है वो हमारे टंग के जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह में ग्रो करते हैं उनको मारती है। वी मस्ट आल्सो रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील टू रिमूव द फूड लेफ्ट ऑन द टंग, हमें कुल्ला करते रहना चाहिए। आफ्टर एवरी मील टू रिमूव फूड लेफ्ट ऑन द टंग, खाना खाने के बाद हमें हमेशा कुल्ला करना चाहिए जिससे जो हमारे मुंह में खाना रह गया होता है वो साफ हो जाता है। स्किन, द स्वेटिंग काजेस ईचिंग एंड प्रिकली हीट रैशेस, जो हमारा पसीना होता है जिससे घमौरियाँ होती हैं, रैशेस होते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक बाथ डेली टू कीप द बैड बॉडी ऑर्डर एंड डर्ट अवे, इट इज इम्पॉर्टेंट, यह बहुत आवश्यक है टू टेक ए बाथ डेली, हमें डेली नहाना बहुत आवश्यक है। टू कीप द बैड बॉडी ऑर्डर एंड डर्ट अवे, जिससे जो हमारी बॉडी की जो धूल मिट्टी है वो हमारे शरीर से दूर हो जाए। वी मस्ट यूज अ क्लीन टॉवल टू ड्राई द बॉडी, हमें अपने बॉडी को सुखाने के लिए एक सॉफ्ट टॉवल का यूज करना चाहिए, साफ सुथरी टॉवल का यूज करना चाहिए। वी शुड नेवर यूज समवन एल्स टॉवल, और हमें कभी किसी दूसरे की टॉवल का यूज नहीं करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।